एमआई वर्सेस सीएसके मैच से पहले रोहित से भिड़ गए पांड्या, प्लेइंग 11 से बाहर करने की दी धमकी। नेट प्रैक्टिस के दौरान पांड्या रोहित में हुई अनबन, तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी, सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं रोहित शर्मा के फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इस रिपोर्ट की, दरअसल भैया आपको बताएं कि जहां पे आईपीएल 2024 में रोमांच भरे मैचेस खेले जा रहे और इसी रोमांच भरे मैचेस में यहां पे आज एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला खेला जाएगा। जी हां, जहां पे एक तरफ यूं कहें कि भैया मुंबई इंडियंस की टीम होने वाली है तो दूसरी तरफ यहां पे आपको बता दें कि सीएसके की टीम होगी और यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला इंडियन अकॉर्डिंग टाइम 7:30 पर शुरू होगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले यहां पे मुंबई इंडियंस की टीम में आपको बताएं कि रोहित शर्मा और यहां पे साथ ही साथ हार्दिक पांड्या में अनबन होते हुए नजर आ गई। जी हां, दरअसल आपको बताएं कि यहां पे मैच से पहले नेट प्रैक्टिस के दौरान रोहित और पांड्या के बीच थोड़ी सी दोस्तों यहां पे अनबन हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि यहां पे माना जा रहा है कि अब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को इस मैच की प्लेइंग 11 में शामिल करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बताएं कि यहां जब प्रैक्टिस हो रही थी तो हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कर रहे थे और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी पर रोहित शर्मा ने लंबे लंबे छक्के मारे। जी हां, उन्होंने यहां पे एक ओवर में रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की गेंद में कुल दोस्तों यहां पे 18 रन मारे, जिसमें यहां पे उन्होंने आपको बताया कि 3 छक्के भी लगाए, जिसे पता चला कि यहां पे रोहित शर्मा अपने फॉर्म में है, लेकिन इस बात को लेकर हार्दिक पांड्या नाराज हो गए और हो सकता है कि यहां पे वो प्लेइंग 11 से बाहर भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या यहां पे अगर ऐसा करते हैं तो हार्दिक पांड्या सही है या गलत, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।